जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा के स्रोतों के बारे में, ठीक है, जो कि पर्यावरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपके जो है प्रश्न बनते ही है कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, है ना, ऊर्जा के जो स्रोत की विशेषताएं हैं वो कौन सी हैं, ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण, परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, परंपरागत और गैर परंपरागत, नवीनीकरणीय अनवीनीकरणीय, ठीक है, कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का संरक्षण, अभ्यास प्रश्न भी फिर बाद में जब यहाँ का आप विस्तृत पढ़ेंगे उसके बाद अभ्यास प्रश्न भी अपन को पढ़ना है। तो ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। स्टार्ट होता है आज का ये वीडियो फटाफट से, कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है विस्तृत अध्ययन जो है हम यहाँ पर करेंगे। तो जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जीव जंतुओं को जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी को पता है कि जो जीव जंतु हैं पूरी पृथ्वी पर, उनको जीने के लिए काय की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें भोजन से मिलती है। कहाँ से मिलती है? भोजन से, ठीक है। और भोजन हमें कहाँ से मिलता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें पौधों से क्या मिलता है? भोजन मिलता है, ठीक है। तो आपको ये चीज ये रखना है कि जीवन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें मिलती है भोजन से, ठीक है, और भोजन हमें मिलता है पौधों से, ये चीज याद रखनी है। इसी तरह वाहनों के चलने के लिए, मशीनों के चलने के लिए, भोजन पकाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, बिजली बनाने के लिए, उद्योगों के लिए, कल कारखानों आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के कार्य दिए हैं, इन सभी कार्यों को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा सभी को अलग अलग रूपों में प्राप्त होती है। तो वो सारे के सारे हम जो देखेंगे, कोई गैस से प्राप्त करता है ना, कोई बिजली से प्राप्त करता है, तो अलग अलग जो है ऊर्जा के स्रोत हैं, कुछ नवीनीकृत हैं, कुछ अनवीनीकृत हैं, कुछ परंपरागत हैं, कुछ गैर परंपरागत हैं, तो इनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। वाहनों के चलने के लिए पेट्रोल डीजल गैस से ऊर्जा मिलती है, भोजन पकाने के लिए लकड़ी कोयला जो है उपले गैस आदि से ऊर्जा मिलती है, बिजली बनाने के लिए ऊर्जा के स्रोत हैं कोयला पानी सूरज का प्रकाश, है ना, पवन ऊर्जा, कल कारखाना उद्योगों में कोयला डीजल बिजली से जो है ऊर्जा मिलती है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं कि जो है जो बिजली बनाने के लिए कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनसे बिजली बनाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से बताइए कौन सा बिजली बनाने से संबंधित स्रोत नहीं है या फिर है, तब आपको पता होनी चाहिए कोयला पानी सूरज का प्रकाश ये सभी बिजली बनाने के स्रोत हैं, ठीक है। ऊर्जा के स्रोत देख लेते हैं। दोस्तों हमने देखा कि हमें ऊर्जा लकड़ी कोयला पेट्रोल डीजल सूर्य पवन जल आदि से प्राप्त होती है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। ये ऊर्जा के स्रोत हैं, वह पदार्थ जिसमें हम लंबे समय तक आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। ये चीज तो आपको समझ में आ गई, क्लियर भी हो गई होगी। देख लेते हैं दोस्तों ऊर्जा के स्रोत की विशेषताएं। ऊर्जा के स्रोत की प्रमुख विशेषताएं हैं, ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए, इनका भंडारण संवहन और प्रयोग आसान होना चाहिए, ये सस्ते होनी चाहिए, इनका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए, है ना, इनसे हानिकारक गैसों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है ऊर्जा के स्रोतों की विशेषताएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा ऊर्जा के स्रोतों की विशेषताएं नहीं है, तो आपको पता होनी चाहिए नहीं है या फिर है, ठीक है। ऊर्जा के स्रोतों के वर्गीकरण देखेंगे, वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। ऊर्जा के स्रोतों को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। सबसे पहले बात करें तो समय ऊर्जा के स्रोत कितने समय से उपयोग में होते हैं, उपयोग एक बार होने हो जाने के बाद उनका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। समय के आधार पर ऊर्जा के स्रोत के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है दोस्तों परंपरागत स्रोत और एक होता है गैर परंपरागत स्रोत। तो सबसे पहले हम इनका उपयोग बहुत लंबे समय से हो रहा है, जो परंपरागत स्रोत हैं, है ना, उनका जो उपयोग है बहुत लंबे समय से हो रहा है। जैसे बात करें उदाहरण में कोयला पेट्रोल गैस पवन, है ना, पवन ऊर्जा पन बिजली लकड़ी और उपले, ये जो है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत आते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, तो आपको पता होनी चाहिए कि कोयला पेट्रोल गैस पवन, है ना, पवन ऊर्जा पनबिजली लकड़ी उपले, ये सभी क्या है, परंपरागत हैं।
ठीक है, तो इनको आपको याद करना है, ये जितने भी परंपरागत स्रोत हैं इनको याद कर लेंगे। क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि कौन सा परंपरागत है और कौन सा गैर परंपरागत है। ठीक है, बात कर लेते हैं गैर परंपरागत की, तो इनका उपयोग कुछ समय से ही हो रहा है, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, ये जो है गैर परंपरागत है, मतलब जो है कुछ समय से ही इनका उपयोग चालू हुआ है, इसलिए क्या है गैर परंपरागत हैं, और जो शुरुआत से बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं वो परंपरागत हैं। तो आपको यहाँ पर याद रख लेना है कि गैर परंपरागत यानी कि सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, ये गैर परंपरागत से संबंधित हैं, तो ये आपको भूलना नहीं है, यहाँ पर आपको याद रख लेना है। उपयोग के आधार पर ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर आपको याद रख लेना है ये क्या है, समय के आधार पर दो होते हैं, कौन कौन से, परंपरागत और एक होता है गैर परंपरागत। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि उपयोग के आधार पर बताइए, तो उपयोग के आधार पर भी दो होते हैं, एक तो नवीकरणीय जिन्हें अक्षय भी कहा जाता है और अनवीकरणीय है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो नवीकरणीय देख लेते हैं, ये एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा भी उपयोग हो सकते हैं, नवीकरणीय कहलाते हैं। ठीक है, इनके भंडार समाप्त नहीं होंगे, इनसे प्रदूषण नहीं होता, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये नवीकरणीय है। तो सबसे पहला तो है सूर्य, सूर्य क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, पवन, भूतापीय है ना, ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत और बायोगैस, ये क्या है, ये नवीकरणीय स्रोत माने जाते हैं ऊर्जा के। अब यहां से क्वेश्चन भी आपका बनता है, एक क्वेश्चन पिछले जो एमपी टेट का हुआ था उसमें भी नवीकरणीय से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपसे अगर सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से बताइए कौन सा अक्षय ऊर्जा का अक्षय स्रोत है या फिर नवीकरणीय स्रोत है, तो आपको पता होनी चाहिए कि सूर्य, पवन, भूतापीय, ज्वारीय, जल, विद्युत और बायोगैस, ये अक्षय स्रोत माने जाते हैं ऊर्जा के। ठीक है, बात कर लेते दोस्तों अनवीकरणीय, तो ये एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा उपयोग नहीं हो सकते, इनके भंडार समाप्त हो जाएंगे, इनसे प्रदूषण होता है, जैसे बात करें लकड़ी ये अनवीकरणीय है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, परमाणु ऊर्जा और गैस, ये क्या है अनवीकरणीय है, इनके जो भंडार है वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, इनकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, सीमित है। ठीक है, तो ये अनवीकरणीय हो गए और वो हो गए नवीकरणीय। तो अनवीकरणीय और नवीकरणीय में आप समझ गए होंगे, यहां से आपका कन्फर्म एक क्वेश्चन बनने वाला है, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो देख लेते हैं दोस्तों ऊर्जा के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं। बात करें कोयला की, तो यह बहुत पुराना ऊर्जा का स्रोत है, यह पृथ्वी की भूपरपट्टी में पाया जाता है, इसका निर्माण वनस्पतियों के दबने से हुआ है ना, और इसका मुख्य जो घटक है वो कार्बन है, कोयला का मुख्य जो घटक माना जाता है वो क्या माना जाता है, कार्बन माना जाता है, एक याद रख लेना। ठीक है, यह चार प्रकार का होता है, कोयला कितने प्रकार का होता है, चार है ना, देखो पीट यानी कि लिग्नाइट, पीट लिग्नाइट और बिटुमेंस, एंथ्रासाइट है ना, तो ये जो है अलग अलग के जो प्रकार हैं, एक तो पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमेंस है और एंथ्रासाइट है, इनको आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये कोयला के प्रकार हैं, चार प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये सभी लोग याद रखेंगे, पीट सबसे घटिया और एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया होता है। तो यहां से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि जो कोयला का प्रमुख घटक है वो कौन सा है, तब आपका उत्तर होगा कार्बन। ठीक है, चार प्रकार के कोयला कितने प्रकार का होता है, ठीक है, तो होता है कितने प्रकार का, चार प्रकार का। ठीक है, निम्न में से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है, ये भी पूछा जाएगा, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और सबसे बढ़िया जो कोयला होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है कौन सा, एंथ्रासाइट, और सबसे घटिया जो होता है वो कौन सा होता है, पीट, ये क्वेश्चन भी आपसे यहां से बनते हैं, तो इनके लिए आपको तैयार रहना है और उत्तर बताना है। सबसे ज्यादा उपयोग बिटुमेंस कोयले का होता है, ये भी चीज याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कभी कि सबसे ज्यादा उपयोग कौन से प्रकार के कोयले का होता है, तो वो होता है बिटुमेंस प्रकार के, तो ये चीज भी सभी को याद रखनी है। ठीक है, तो अब हमें देखना है दोस्तों कोयले के उपयोग क्या है। ठीक है, तो इसका उपयोग खाना पकाने के लिए होता है, इसका उपयोग ताप बिजली घरों में होता है, इससे कोक, कोल तार और कोल गैस प्राप्त किया जाता है, विश्व में चीन कोयले का अग्रणी उत्पादक देश है, भारत में पश्चिम बंगाल है ना, में रानीगंज और झारखंड में झरिया, धनबाद, बोकारो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, और अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में शहडोल
शहडोल में क्या है, कोयले की खान है, तो ये भी याद रखना है, मध्य प्रदेश में शहडोल में निकलता है। और भारत में एंथ्रासाइट कोयला जम्मू और कश्मीर में मिलता है। एंथ्रासाइट कोयला जो सबसे बढ़िया कोयला माना जाता है, ये कहाँ मिलता है, जम्मू कश्मीर में मिलता है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज और झारखंड में झरिया, धनबाद और बोकारो में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और चीन जो है कोयले के मामले में अग्रणी उत्पादक है, ये चीज भी याद रखेंगे। ठीक है, कोयले के प्रकार देख लेते, कार्बन की मात्रा पीट पीट में 30%, लिग्नाइट में 38 से 40%, बिटुमेंस में 65 से 70 और एंथ्रासाइट में 94 से 98%। तो सबसे अच्छा माना जाता है एंथ्रासाइट। ठीक है, ये तो याद रख लेना, ये कोयले के चार प्रकार हैं, इनको सभी लोग याद रखेंगे। बात करेंगे दोस्तों पेट्रोलियम या फिर कच्चा तेल, है ना, एक गाढ़े रंग का काला बदबूदार द्रव्य होता है। ये देखो यहां पर ये है आपका पेट्रोलियम और ये काले रंग का गाढ़ा बदबूदार द्रव्य होता है। यह जमीन के नीचे वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के दबने से बनता है। इससे कई सारे उत्पाद मिलते हैं, जैसे मोम, स्नेहक, ग्रीस, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल और गैस। इसलिए इसको काला तरल सोना भी कहा जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि काला तरल सोना किसे, काला सोना या फिर तरल सोना किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम, कच्चे तेल को। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे, है ना। इससे उत्पाद प्राप्त करने के लिए इसको रिफाइनरी यानी कि तेल शोधन कारखाना परिष्करण शाला में क्या किया जाता है, इसको परिष्कृत किया जाता है, भेजा जाता है, जहां प्रभाजी आसवन के द्वारा इससे विभिन्न उत्पाद जो है प्राप्त किए जाते हैं। नोट करना है, यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि जो कच्चा तेल है, है ना, इसे जो रिफाइनरी तेल शोधन कारखाना में किसके द्वारा इसे शुद्ध किया जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन के द्वारा इसमें विभिन्न जो उत्पाद हैं वो इससे प्राप्त किए जाते हैं, चाहे वो मोम हो, चाहे मिट्टी का तेल हो, ये सारे के सारे उत्पाद इससे प्राप्त होते हैं। भारत में प्रमुख परिष्करण शालाएं पानीपत, मथुरा, बरौनी, डिगबोई, बड़ोदरा, भड़ौच, कोच्चि और मंगलूर में स्थित है। ठीक है, इसका उपयोग प्लास्टिक, डामर और पेंट बनाने में और ड्राई क्लीनिंग में भी किया जाता है। इससे औषधियां भी बनाई जाती हैं। रूस, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक देश हैं। और भारत में पेट्रोलियम मुख्यतः असम, गुजरात, मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में जो है मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से बताइए भारत में कौन सा पेट्रोलियम का जो है उद्गम स्थल नहीं है या जहां पर नहीं प्राप्त किया जाता, तो ये सारे के सारे असम, गुजरात, मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक गैस की बात कर लेते हैं दोस्तों। यह तेल कूपों से पेट्रोलियम के साथ प्राप्त होती है, कुछ तेल कूपों से तो केवल प्राकृतिक गैस ही निकलती है। इसका प्रमुख जो संघटक है वो क्या है, मीथेन। मीथेन है काय का, प्राकृतिक गैस का। और रूस, नॉर्वे प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में मुंबई हाई और जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ठीक है, अब ये चीज याद रखनी है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख जो संघटक माना जाता है वो क्या माना जाता है, तो वो मीथेन माना जाता है 90%। ठीक है, इस प्रकार से प्राकृतिक गैस का ये संयंत्र लगा हुआ है और इस प्रकार से रिफाइनरी किया जाता है और निकाली जाती है। ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, तो यह दाब पर द्रवित की गई पेट्रोलियम गैस होती है। इसका मुख्य संघटक है ब्यूटेन, इसमें इथेन और प्रोपेन गैसें होती हैं। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील होती हैं। इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें इथाइल मारकैप्टन नामक दुर्गंध युक्त यौगिक मिलाया जाता है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों, जिसे आप एलपीजी गैस बोलते हो, एलपीजी गैस, ये एलपीजी गैस है, इसे द्रवित पेट्रोलियम गैस भी बोला जाता है। ठीक है, और इसका जो प्रमुख संगठक माना जाता है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एलपीजी गैस का प्रमुख जो संगठक है वो क्या है, तो ब्यूटेन गैस होता है। ठीक है, लेकिन ये लीक होने का इसका पता चले तो इसके लिए क्या डाला जाता है, इसमें इथाइल मारकैप्टन नामक दुर्गंध युक्त यौगिक मिलाया जाता है, जिससे पता चले कि ये कहीं लीक तो नहीं हो रही है। ठीक है, और ये रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील होती है, ये जो ब्यूटेन होती है। ठीक है, और इसमें इथेन और प्रोपेन ये भी इसमें पाई जाती हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। बात करें दोस्तों संपीड़ित प्राकृतिक गैस की, यह प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर दबाने से प्राप्त होती है। इसका मुख्य घटक मीथेन है।
का संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। अभी हमने एलपीजी का पढ़ा था तो ब्यूटेन थी, लेकिन संपीड़ित प्राकृतिक गैस की बात आती है तो मीथेन है। यह वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है, इससे प्रदूषण नहीं होता क्योंकि इसके जलने पर धुआं नहीं निकलता, इसका उपयोग उद्योगों में भी होता है। ठीक है, तो ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी, ये चीज आपको याद रखनी है। और आपको पता होगा कि 2009 में सीएनजी से चलित बसों का जो है वो किया गया है, उद्घाटन किया गया है, बसें चलाई जा रही हैं क्योंकि प्रदूषण को रोका जा सके। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखनी है। और सीएनजी गैस का जो मुख्य संघटक होता है वो होती है मीथेन गैस। ठीक है, ये याद रखना है। बात कर लेते हैं दोस्तों जीवाश्म ईंधन की, है ना। वे ईंधन जो पृथ्वी के अंदर पौधों और जानवरों के अवशेषों पर ताप और दाब के प्रभाव से बनते हैं जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, इनको बनाने में हजारों साल लग जाते हैं। यह औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं और इनका निक्षेप एक दिन खत्म हो सकता है, इसलिए हमें इनका उपयोग कैसा करना चाहिए, उचित रूप से करना चाहिए, है ना। प्रमुख जीवाश्म जो ईंधन है वो कौन से हैं? एक तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये जीवाश्म ईंधन है। यहाँ एक पॉइंट आया है दोस्तों, आपसे अगर क्वेश्चन बने, यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन से? एक तो बनेगा कि जीवाश्म जो ईंधन है वो किन चट्टानों में पाया जाता है, तब आपका उत्तर होगा औषधि चट्टानों में पाया जाता है। दूसरा, निम्न में से बताइए कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तब आपको पता होनी चाहिए कि कोयला जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है। तो एक एक चीज, एक एक शब्दों पर आपको गौर करना है और सारे के सारे प्रश्नों को क्लियर करना है। जल विद्युत पन बिजली की ऊर्जा, इस प्रकार से देखें ये कैसे टरबाइन लगाई जाती हैं जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है, जल विद्युत ऊर्जा जिसे कहा जाता है। नदियों के ऊपर बांध बनाकर जल को इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठे जल को टरबाइन पर गिराया जाता है जिससे टरबाइन चलता है और बिजली बनती है। ठीक है, जल विद्युत के लाभ देखो, जल विद्युत ये सबसे पहली बात तो ये सस्ती होती है, इससे प्रदूषण नहीं होता, यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि जल विद्युत जो है ऊर्जा का किस प्रकार का स्रोत है तो ये नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। बांधों से लाभ, यह बाढ़ को रोकता है, इकट्ठा हुआ जल खेतों की सिंचाई में भी काम आता है। बांधों से हानि देख लो, इससे बड़े पैमाने पर विस्थापन पुनर्वास समस्या उत्पन्न होती है, इससे पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ जाता है, जीव जंतुओं के आवास डूब जाते हैं, यह खर्चीला होता है। पैराग्वे, दक्षिण अमेरिका, नार्वे जल विद्युत उत्पादन में अग्रणी देश हैं। तो ये बांधों से कुछ लाभ भी हैं तो कुछ हानियां भी हैं। भारत के कुछ प्रमुख जल विद्युत केंद्र देख लो, यहाँ पर दामोदर घाटी निगम, कई बांध हैं, दामोदर झारखंड है ना, ये झारखंड में है। हालांकि जो दामोदर है इसे बंगाल का सोख कहा जाता है, ये तो सभी लोगों को पता है कि किस नदी को बंगाल का सोख कहा जाता है, तो दामोदर को कहा जाता है, है ना। और बंगाल भाखड़ा नांगल भारत का सबसे ऊंचा सतलज है ना, सतलज एक गुरुत्वीय बांध माना जाता है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है सतलज, हिमाचल प्रदेश पंजाब में है ये। और रेहंद, ये रेहंद परियोजना रेहंद उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, हीराकुंड विश्व का सबसे लंबा बांध है, ये मिट्टी का बना हुआ सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, महानदी पर बना है, उड़ीसा में है। ठीक है, नागार्जुन ये कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। और बगलेहार ये चिनाव नदी जम्मू कश्मीर में है। सरदार सरोवर ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है मध्य प्रदेश और गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, ये चीज भी याद रखनी है। और टेहरी ये भागीरथी और भीलांगना उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये कुछ परियोजनाएं थी, इनके बारे में आपने जाना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा जो कि बहुत ही आधुनिक समय में जो सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत माना जाता है वो सौर ऊर्जा माना जाता है, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता और पर्याप्त इसकी जो है उपलब्धता है। तो ये सभी को याद रखनी है। देख लेते हैं सौर ऊर्जा की, सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश से हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और आपको पता है दोस्तों कि धरती पर सबसे बड़ा और सबसे सशक्त जो माध्यम है ऊर्जा का वो क्या है? सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा को सौर सेलों द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है। सौर सेल सिलिकॉन और गैलियम के बने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, ये इस प्रकार से देख सकते हैं आप, ये सौर सेल है, सौर सेल पैनल, और ये क्या करते हैं कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं इस प्रकार से। तो सिलिकॉन और जो है गैलियम के बने होते हैं सौर सेल। यह उष्णकटिबंधीय देशों के लिए अत्यंत उपयोगी
है क्योंकि इन देशों में सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। ठीक है, सौर ऊर्जा का उपयोग देखो, इसका उपयोग खाना बनाने में है ना, पानी गर्म करने में, और सौर वाटर हीटर द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने में, बिजली बनाने में किया जाता है सौर ऊर्जा का उपयोग। ठीक है, सौर ऊर्जा के लाभ देखो, सबसे बड़ी बात तो ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यह असमाप्त है, यह प्रदूषण की जो है प्रदूषण नहीं करता, यह लगभग पूरे वर्ष भर मिलता है। ठीक है, पूरे वर्ष मिलता है। सौर ऊर्जा से हानि देखो, यह केवल दिन में उपलब्ध होता है, वर्षा और शीत ऋतु में इसकी उपलब्धता कम होती है, यह खर्चीला है। ठीक है, ये कुछ हानियां हैं तो कुछ लाभ भी हैं। एशिया का सबसे विशाल तौर ताप विद्युत संयंत्र नागपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, और वर्ष 2011 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत की गई। अगर आपसे पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत कब हुई, तो ये 2011 में हुई। सूर्य में नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा पैदा होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि सौर में जो ऊर्जा पैदा होती है वो किससे होती है, कैसे होती है, तो नाभिकीय संलयन दिया जाएगा, नाभिकीय विखंडन दिया जाएगा, ये विभिन्न प्रकार के जो है ऑप्शन होंगे आपसे। तो नाभिकीय संलयन के कारण जो है ऊर्जा पैदा होती है सूर्य में, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में और हीलियम का हाइड्रोजन में। तो इसी प्रकार से जो परंपरा है वो चलती रहती है और सूर्य ऊर्जा का जो है सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। तो ये चीज आपको सभी को याद रखना है। बात करेंगे दोस्तों पवन ऊर्जा की, पवन या फिर वायु ऊर्जा। पवन ऊर्जा का उपयोग प्राचीन समय से हो रहा है। प्राचीन समय में पानी के जहाज पवन ऊर्जा का उपयोग करते थे। पवन की गतिज ऊर्जा गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा ही पवन ऊर्जा है। इसे पवन चक्की द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये पवन चक्की का चित्र यहाँ पर दिया गया है और यहाँ से जो है पवन ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो ये पवन ऊर्जा के स्रोत हैं जो कि परंपरागत मानी जाती है, बहुत ही प्राचीन समय से ये ऊर्जा प्राप्त हो रही है। पवन ऊर्जा का उपयोग लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसका उपयोग होता है, विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग होता है, भूमिगत जल को ऊपर खींचने में, अनाजों को पीसने में भी इसका उपयोग होता है। पवन ऊर्जा के लाभ देखो, यह सभी जगह उपलब्ध है, यह नवीकरणीय है। ठीक है, इससे प्रदूषण नहीं होता, ये भी चीज देखो। पवन ऊर्जा से हानि देखो, यह महंगा है, पक्षियों के लिए हानिकारक है, दूर संचार के संदेशों में व्यवधान उत्पन्न करता है। तो कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानि भी हैं। जिस क्षेत्र में पवन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो वहां पवन ऊर्जा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है ना। नीदरलैंड जर्मनी पवन फार्मों में अग्रणी है। संयुक्त राज्य अमेरिका जर्मनी पवन ऊर्जा में अग्रणी है। पवन ऊर्जा में भारत पांचवें नंबर पर है। भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और केरल में होता है। एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म तमिलनाडु के मुक्पंडल है ना, मुक्पंडल में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखनी है। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्म जल के झरनों से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी की गहराई में तापमान होता है, इससे जल गर्म होकर झरनों के रूप में पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। तो यहां से भूतापीय ऊर्जा है। भूतापीय ऊर्जा के उपयोग, इसका उपयोग खाना बनाने, बिजली बनाने आदि में किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा से लाभ, पूरे वर्ष इससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, इससे प्रदूषण नहीं होता। भूतापीय ऊर्जा से हानि, इसके संवहन का खर्च ज्यादा होता है ना, यह सब जगह उपलब्ध नहीं है। तो ये कुछ लाभ भी हैं भूतापीय ऊर्जा के, तो कुछ हानि भी हैं। ठीक है, और भी देखेंगे दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूजीलैंड भूतापीय ऊर्जा में अग्रणी है। भारत में मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, पूगा घाटी, ताता पानी झारखंड है ना, और खम्पम तेलंगाना में भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। ज्वारीय ऊर्जा देख लो, यह ऊर्जा समुद्र में आए ज्वार से उत्पन्न होती है, इससे बिजली बनाई जाती है। रूस और फ्रांस में ज्वारीय ऊर्जा के क्षेत्र हैं। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी है ना, दोनों गुजरात में, और सुंदरबन में ज्वारीय ऊर्जा की संभावनाएं हैं। कांडला कच्छ की खाड़ी में भारत का पहला ज्वारीय जो है ऊर्जा संयंत्र लगा था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहला ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा था, तो वो लगा था कांडला है ना, कच्छ की खाड़ी में स्थित है जो कि। तो ये चीज याद रखनी है। ज्वारीय ऊर्जा के लाभ देखो, यह असमाप्त है,
यह प्रदूषण मुक्त है। ज्वारी ऊर्जा से हानि देखो, इससे समुद्री जीवों को नुकसान होता है, इसके उत्पादन में कठिनाई भी आती है। तो ये ज्वारी ऊर्जा के कुछ लाभ हैं, कुछ हानि हैं। बायोगैस जिसे कि हम गोबर गैस कहते हैं, ये भी बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है ऊर्जा का। बायोगैस जैविक अवशेषों गोबर और रसोई के अपशिष्ट पदार्थों के बैक्टीरिया द्वारा अपघटन से प्राप्त होती है। इन पदार्थों का अपघटन अनाक्सी ऑक्सीजन के द्वारा होता है। इन पदार्थों के अपघटन से मीथेन 60-65%, कार्बन डाइऑक्साइड 25-30% और हाइड्रोजन 5-10% गैस निकलती है। इसका उपयोग खाने बनाने में है ना, जैव खाद प्राप्त करने में होता है। इसका उपयोग ट्यूबवेल चलाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो आपसे सीधा सा पूछा जाएगा कि बायोगैस की जो प्रमुख संगठक गैस है तो वो कौन सी है। मीथेन जिसमें 60-65% होती है। ठीक है, और ये जो मानी जाती है जैविक अवशेषों से प्राप्त होती है ये बायोगैस। ठीक है, और इससे खाद भी प्राप्त होता है, खाद भी जैव खाद भी प्राप्त किया जाता है ना। और इसका उपयोग खाना बनाने में, ट्यूबवेल चलाने आदि में किया जाता है। बायोगैस के लाभ देखो, यह सस्ता है, यह प्रदूषण मुक्त है, यह उपयोग में आसान है, यह सर्वव्यापी है, इससे लकड़ी और जीवाश्म ईंधनों की बचत भी होती है बायोगैस से। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों हमारा जो अगला है बायोगैस से हानि, कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलने के कारण हरित गृह प्रभाव होता है। इसके लिए नियमित रखरखाव की जरूरत होती है। बड़े शहरों में गोबर की प्रचुर मात्रा नहीं मिलती, इसलिए वहां इसको लगाना उचित नहीं है, और गांव आदि में इसका जो है बहुत ही भरपूर प्रयोग किया जाता है बायोगैस का। ठीक है, बायोडीजल देख लो, यह जट्रोपा रतन जोत कर्कास और पोंगोमिया पौधों के बीजों से प्राप्त किया जाता है। क्या? बायोडीजल। काकीनाडा में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया। कहां पर? काकीनाडा में। ये याद रखना है। परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा की बात कर लेते हैं। परमाणु ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा, यह नाभिकीय रिएक्टरों में यूरेनियम और थोरियम धातुओं के नाभिकीय विखंडन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इससे अत्यधिक मात्रा में बिजली उत्पादित की जाती है परमाणु ऊर्जा से। ठीक है, यह बहुत खर्चीला है और प्रदूषण भी पैदा करता है। इससे एक्स किरणें और वाई किरणें जिन्हें की गामा किरणें जैसी अत्यंत हानिकारक किरणें निकलती हैं, जिनसे अनुवांशिक विषमताएं हो सकती हैं और कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु ऊर्जा में अग्रणी है। यूरेनियम का खनन जादूगोड़ा झारखंड में होता है। थोरियम केरल के मोनेजाइट बालुओं में पाई जाती है। तो ये चीज याद रखनी, अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से बताइए यूरेनियम कहाँ पर जो है मिलता है, तो झारखंड के जादूगोड़ा में। थोरियम कहाँ पर मिलता है, तो केरल के मोगजाइट बालुओं में ये उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, ये चीज याद। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों भारत के प्रमुख परमाणु केंद्र। परमाणु केंद्र जो है वो देखो तारापुर। तारापुर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, नरोरा कहाँ पर है? बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश। काकरापारा ये सूरत गुजरात में है। कैगा कर्नाटक में है। कल्पक्कम चेन्नई में है। ठीक है, और कुडनकलम ये तमिलनाडु और रावतभाटा कोटा में है। दोस्तों भारत का जो प्रथम परमाणु केंद्र है वो तारापुर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और ये मुंबई में है। ठीक है, काकरापारा कल्पक्कम कुडनकलम इनको याद रख लेना, रावतभाटा भी पूछा जाता है। ठीक है, ये परमाणु केंद्र कहाँ पर है, है ना। तो ये सारे के सारे आपको केंद्र जो है उनको याद करते चलना है और अपना अध्ययन को सुदृढ़ बनाते चलना है। ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु के काम करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है गतिज ऊर्जा, है ना। किसी वस्तु की गति के कारण पैदा हुई ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो कि बांध से जो टरबाइन लगी होती है, टरबाइन में गति होती है और उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्या है? गतिज ऊर्जा है। और स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की अवस्था या स्थिति के कारण पैदा हुई ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है। ठीक है, ऊर्जा का स्थानांतरण देखो, वस्तु लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से देखना है। एक क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा आपसे, पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर जो होता है दोस्तों, ये विद्युत ऊर्जा को, यहाँ पर तो हम क्या लगाते हैं? विद्युत ऊर्जा लगाते हैं, लेकिन हमें ध्वनि सुनाई देती है और ये ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में
परिवर्तित करना, बल्ब का जलना विद्युत ऊर्जा का प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करना, सौर सेल प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, एलपीजी का जलना रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो ये अलग अलग स्रोत हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ऊर्जा का एसआई मात्रक है क्या है? जूल। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तब आपका उत्तर क्या होना चाहिए? जूल है। ठीक है, रॉकेट में प्रयोग होने वाली ऊर्जा के स्रोत देखो, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, रॉकेटों के प्रयोग होने वाली ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। अब दोस्तों यहां पर हमने बहुत सारा अध्ययन किया, अब कुछ जो प्रश्न है ऊर्जा से संबंधित उनको आपको जो है उत्तर बताना है, उनके सभी लोग उत्तर बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सभी लोगों को फटाफट से उत्तर बताना है, सभी लोग तैयार हैं? तैयार हैं तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये प्रश्न और उत्तर। चलिए, तो पहला प्रश्न, एक अच्छे ऊर्जा के स्रोत के निम्न विशेषताओं पर विचार करना है। यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, यह सस्ता होना चाहिए, इसका भंडारण संवहन एवं प्रयोग आसान होना चाहिए, इसका ऊष्मीय मान कम होना चाहिए, इससे हानिकारक गैसों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। तो हमें विशेषताओं पर विचार करना है यहाँ पर कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है एक अच्छे ऊर्जा के स्रोत के बारे में। तो जल्दी से बताएं, ये आपके चार विकल्प दिए हैं, नीचे प्रश्न क्रमांक एक का उत्तर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताया करें, विकल्प नंबर जो बी है, वी यानी कि इसका ऊष्मीय मान कम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ये जो है वो असत्य है ऊर्जा के संबंध में, ऊर्जा स्रोतों के संबंध में। निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं? कौन है? कोयला, पवन, लकड़ी या फिर सभी? ऊर्जा के परंपरागत बताना है। अभी हमने पढ़े हैं गैर परंपरागत और परंपरागत। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक टू का उत्तर बताना है, और टू का जो उत्तर हो जाएगा कि परंपरागत जो होते हैं, पवन ऊर्जा भी होती है, कोयला ऊर्जा और लकड़ी से प्राप्त ऊर्जा, ये सभी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। प्रश्न क्रमांक टू का आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा है तो परमाणु ऊर्जा क्या है? यहां पर आपको बताना है उत्तर, परमाणु ऊर्जा क्या है? अनवीकरणीय है, गैर परंपरागत है, परंपरागत है या फिर दोनों है? परमाणु ऊर्जा क्या है? प्रश्न क्रमांक अपना है कौन सा? तीन, और तीन का उत्तर जल्दी से आप कमेंट में लिखेंगे, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जो परमाणु ऊर्जा है ये अनवीकरणीय है और गैर परंपरागत है। यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है, ये सबसे पहली बात तो ये अनवीकरणीय है, दूसरी बात ये गैर परंपरागत है, और डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, वो निम्न में से किस कोयले का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? देखो, हमने पढ़ा था कि एंथ्रासाइट जो कोयला है वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, लेकिन एक बाद में एक पॉइंट और पढ़ा था कि सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वो किस कोयले का किया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक चार का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा बिटुमेंस। बिटुमेंस प्रकार का जो कोयला होता है इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो सी नंबर है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। पश्चिम बंगाल का कौन सा क्षेत्र कोयला उत्पादन में अग्रणी है? झरिया, बोकारो, धनबाद या फिर रानीगंज? पश्चिम बंगाल का हमने अभी पढ़ा है, तो जल्दी से बताएं फटाक से उत्तर, सभी लोगों को उत्तर बताना है साथियों। तब आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल की जब भी बात आती है तो आपका उत्तर होता है रानीगंज। रानीगंज पश्चिम बंगाल का ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोयला का उत्पादन में अग्रणी है। जम्मू और कश्मीर में पाए जाने वाला कोयला कौन सा है? लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, पीट या फिर बिटुमेंस? पूरा का पूरा हमने पढ़ा है, और एक एक चीज आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए, बननी होनी चाहिए, जम्मू और कश्मीर में पाए जाने वाला जो कोयला है वो कौन सा है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो सबसे अच्छा माना जाता है वो कोयला कहाँ पर प्राप्त किया जाता है? जम्मू और कश्मीर में। निम्न में से काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को, गोबर को, पेट्रोलियम या इनमें से कोई नहीं? काला सोना आपको बताना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जल्दी से कमेंट में लिखें, सभी लोग कमेंट में लिखेंगे जितने लोग भी देख रहे हैं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से कंफ्यूज नहीं होना, कोयला काला होता है ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोयले को काला सोना मतलब मान बैठना, क्योंकि जो पेट्रोलियम है ना,
ये जो है जब प्रारंभिक रूप में जो इसकी अवस्था होती है वो बिल्कुल काला होता है, काला होता है, और जब इसका जो है शोधन किया जाता है तो ये पेट्रोलियम, मोमबत्ती, अनेक उत्पाद इससे प्राप्त होते हैं। तो इसका जो बी नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, प्रभाजी आसवन संबंधित है तो किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से, कोयले से, पवन से, या फिर सौर ऊर्जा से? प्रभाजी आसवन हमने पढ़ा है किससे संबंधित है, हमने देखा था कि क्या हो जाएगा, प्रभाजी आसवन संबंधित है कैसे, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से, है ना। तो ए नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सही होगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक कौन सा है? प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक बताना है, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न क्रमांक है अपना 9, और 9 का उत्तर बताना है, जल्दी से बताएं, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का प्रमुख संगठक जो माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है, अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है, मीथेन, ए नंबर। ठीक है, अगला है, वाहनों के लिए साफ सुथरा ईंधन है तो कौन सा है? पेट्रोल, एलपीजी, डीजल, या फिर सीएनजी। वाहनों के लिए साफ सुथरा ईंधन बताना है 4 विकल्पों में से। तो प्रश्न क्रमांक है अपना 10, और 10 का आपका आंसर हो जाएगा कि जो सीएनजी गैस है, सीएनजी गैस वाहनों के लिए साफ सुथरा ईंधन माना जाता है, जिससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, और डी नंबर यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है, कोयले का मुख्य घटक कार्बन होता है, बिल्कुल सत्य है। पेट्रोलियम का उपयोग प्लास्टिक और पेंट बनाने में किया जाता है, है ना। सीएनजी में इथाइल मार्केप्टन नामक दुर्गंध युक्त यौगिक मिलाया जाता है, और एलपीजी का मुख्य घटक जो है वो ब्यूटन है। तो कौन सा सत्य है यहां पर बताना है, और इस प्रकार से आपके कूट दिए हैं, तो कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न विकल्प नंबर सी, सी यानी कि 1, 2 और आईबी। ठीक है, सीएनजी गैस में इथाइल मार्केप्टन नामक दुर्गंध युक्त यौगिक नहीं मिलाया जाता, ये तो एलपीजी में मिलाया जाता है। काय में जो एलपीजी गैस होती है, जो हम घरेलू खाना बनाने में उपयोग करते हैं, उस गैस में इथाइल मार्केप्टन मिलाई जाती है, है ना, ये गैस मिलाई जाती है ताकि उसमें दुर्गंध युक्त हो, और कहीं से भी अगर लीक करती है तो वो दुर्गंध आती है, तो व्यक्ति को पता चल जाती है कि ये गैस कहीं से लीक कर रही है। ठीक है, इसके लिए इसको मिलाया जाता है, और ये सीएनजी जो होती है ये वाहनों के लिए बहुत ही साफ सुथरी गैस मानी जाती है, साफ सुथरा ईंधन का स्रोत माना जाता है। तब आपका सी नंबर यहां पर बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सी हानि बांधों से नहीं होती? तो बांधों से कौन सी नहीं होती? बांधों से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, बांध बाढ़ रोकने के काम आते हैं, या फिर बांध से विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है, या बांध बनाना खर्चीला होता है। तो आपके 4 विकल्प हैं यहां पर, 4 में से बांधों से हानि बतानी है आपको। प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर सभी लोग बताएंगे, और उत्तर आपका हो जाएगा कि बांध जो है, प्रश्न को समझना है, कौन सी हानि बांधों से नहीं होती? तो वो नहीं होती बी, बांध बाढ़ रोकने के काम आते हैं, ये तो क्या है, ये तो लाभ है, है ना, तो ये हानि नहीं होती बांधों से, तो वी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला हमें सुमेलित करना है, यहाँ पर कुछ बांध दिए हैं, और उनके से, तो यहाँ पर आपको याद रख लेना, भाकला नांगर, सतलज, हीराकुंड, महानदी, नागार्जुन, कृष्णा नदी, ठीक है, और बगलेहार, ये चिनाव नदी पर है, ये बांधों के बारे में हमें याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सौर सेल किससे बनते हैं? सौर सेल जो पैनल होते हैं आपको पता होगा, ये सिलिकॉन से बनते हैं, थोरियम से बनते हैं, गैलियम से बनते हैं, या फिर ए और बी दोनों से बनते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जो सौर सेल होते हैं ये बनते हैं दोस्तों कैसे, कैसे बनते हैं? प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर जल्दी लिखो, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सिलिकॉन और गैलियम, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है ये सही हो जाएगा। ठीक है, इन सभी से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन देशों में सौर ऊर्जा का उपयोग प्रचुर मात्रा में हो सकता है? तो कौन से देशों में हो सकता है? उष्ण कटिबंधीय देशों में, उपोष्ण कटिबंधीय देशों में, या शीत कटिबंधीय देशों में, या फिर सभी में? तो किन देशों में सौर ऊर्जा का उपयोग प्रचुर मात्रा में हो सकता है? प्रश्न क्रमांक है अपना 15, जल्दी से उत्तर हमें बताना है।
तो प्रचुर मात्रा की जब भी बात होती है तो वो उष्णकटिबंधीय जो है देशों में, उष्णकटिबंधीय देशों में प्रचुर मात्रा में हो सकता है। ठीक है, तो ये नंबर जो है आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत कब हुई? अभी हमने पढ़ा था 2008 में, 2011 में, 2012 में या फिर 2014 में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की जो शुरुआत की गई वो कब की गई? प्रश्न क्रमांक है अपना 16, और 16 का उत्तर जो आप लोगों ने बताया है जल्दी से बताएं, उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2011, यानी कि जो बी नंबर है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करना। प्रश्न क्रमांक 17 पर, इस ऊर्जा का उपयोग प्राचीन समय से हो रहा है, इस ऊर्जा का उपयोग भूमिगत जल को ऊपर खींचने खींचने और जो है अनाजों को पीसने में उत्पादन में भी किया जाता है। ठीक है, यह पक्षियों के लिए हानिकारक है। काय के उत्पादन में किया जाता है, यहां पर देख लो आप, बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है, पक्षियों के लिए भी हानिकारक है, और यह दूर संचार के संदेशों में व्यवधान उत्पन्न करता है। तो आपको बताना है कि उपरोक्त कथन किस ऊर्जा से संबंधित, यहाँ पर किस ऊर्जा की बात हो रही है? इन कथनों के माध्यम से सौर ऊर्जा की, परमाणु, पवन या फिर ज्वारी ऊर्जा की? तो जल्दी से बताएं अपना जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक अपना 17 है, और 17 का जो उत्तर आपका हो जाएगा वो क्या होगा? पवन ऊर्जा। यहाँ पर पवन ऊर्जा की बात हो रही है, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मणिकर्ण पूगा घाटी ताता पानी और खम्मम संबंधित हैं ज्वारी ऊर्जा से, परमाणु ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से या फिर भूतापीय ऊर्जा से? तो आपको बताना है ये स्थान है मणिकर्ण पूगा घाटी और ताता पानी खम्मम, ये संबंधित हैं तो किस ऊर्जा से संबंधित हैं? जल्दी से बताएं। तो आपका उत्तर होगा भूतापीय ऊर्जा, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो यहाँ पर सही होगा। कौन सा कथन असत्य है? बायोगैस में जीवों के अपशिष्ट पदार्थों का अनाक्सी अपघटन होता है, बायोगैस से हरित गृह प्रभाव होता है, बायोडीजल रतन जोत के पौधे से प्राप्त किया जाता है, या रायपुर में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया? तो कौन सा कथन असत्य है बताना है, यहां पर बताएंगे सभी लोग कौन सा कथन असत्य है। प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सत्य की बात है तो रायपुर में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया, डी नंबर आपका यहां पर सही होगा। भारत में थोरियम खनन के लिए प्रसिद्ध जादूगुड़ा किस राज्य में है? जादूगुड़ा बताना है, यहाँ पर थोरियम खनन मिलता है इस जादूगुड़ा में, और ये कहाँ पर है? तो प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर बताना है, और 20 का जो उत्तर हो जाएगा, यूरेनियम भी यहाँ पर मिलता है, यूरेनियम के लिए जाना जाता है जादूगुड़ा। तो आपको जल्दी से कमेंट में लिखें, और उत्तर हो जाएगा ये जादूगुड़ा कहाँ पर है? झारखंड में है ना, झारखंड। ऊर्जा का एसआई मात्रक बताना है दोस्तों आपको, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? प्रश्न क्रमांक 20 बन का, जूल है, ग्राम है, वाट है, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल, यानी कि जो ए नंबर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रश्नों के बारे में हमने अध्ययन किया दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसे लगा? हमने विस्तृत अध्ययन किया, उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा की। इसके जितने भी ऊर्जा से संबंधित प्रश्न है वो अलग से वीडियो में आपको बना करके दूंगा, वो वीडियो जरूर सभी लोगों को देखना है। ठीक है, वीडियो को शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसी प्रकार से निरंतर बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं विस्तृत अध्ययन से संबंधित, साथ ही उसके अभ्यास प्रश्न भी करवाए जाते हैं ताकि बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो सके। ठीक है, सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे, जितने भी साथी हो, निरंतर कक्षाएं चल रही हैं और वीडियो आप तक प्रेषित किए जा रहे हैं, तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।